भाई देखो कैसा ये पपलू हुआ है, बिजनेस क्लास बोल के इसने इमरजेंसी सीट बुक करा दी। अबे ये क्या है, इसे कहते हैं भाई टेशन। यू लाइक इंडिया और पाकिस्तान? इंडिया हमें देखने में लगता है बहुत बढ़िया है, 50 साल 60 साल 70 साल जी के जाएंगे, लेकिन नहीं। कल का दिन बहुत ही ज्यादा शानदार रहने वाला, क्योंकि कल हम जा रहे हैं उनका प्रैक्टिस मैच देखने के लिए। ये आ गया है 500 का, इसमें भी तोता तोता इनका नेशनल बर्ड होगा भाई। सोचो इसी ग्राउंड पे सुबह मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और अभी मैं इस ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूँ। एक दिन के लिए दिल्ली आए, ये पर्दे फिर ठीक नहीं करा पाए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, और मैंने पिछली वीडियो बताया था आज हम जा रहे हैं श्रीलंका हमारे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए। आतंक मचा देना भाई, कसम से बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्या हुआ कोको, इन भाई सब को भी हमारे साथ जाना है, इसको एयरपोर्ट तक साथ लेके जाएंगे। और कसम से मैं पहली बार इंडिया पाकिस्तान का मैच लाइव देखूंगा, और वो भी श्रीलंका में। ऐसा कभी नहीं सोचा था मैं फर्स्ट टाइम श्रीलंका जा रहा हूँ। कल प्रैक्टिस मैच है, परसों फाइनल मैच है, आज हम सोचा थोड़ा बहुत श्रीलंका घूम लेंगे, और ये शोर मचा रहा। चलो गाड़ी बात करते हैं, बाकी ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, 10 बजे की हमारी फ्लाइट है भाई। चल रहे हैं लिफ्ट में, जाएंगे लिफ्ट में, जाएंगे लिफ्ट में, चलो अंदर। इसको देखो भाई कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, इसको लग रहा है ये भी जा रहा है मैच देखने। तू नहीं जा रहा? बस 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 कोको, पहली बार जा रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने, और वो भी इतनी दूर। अबे धीरे 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 कोको, पकड़ 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 इसको। बैग किसके लाया क्या? अरे भाई पता नहीं कैसे आया, इसको सुसु भी आया होगा, सुबह से सुसु करने नीचे नहीं उतरा। इसको लगा मेरे को छोड़ के ही ना चले जाए। ये देख इसको सीधा गाड़ी में बैठा, कुछ नहीं कर रहा। ये देख खोलो दरवाजा। इस भाई सबको मैं अभी आगे नहीं बिठा रहा, नहीं तो इसने मेरी पैंट का सत्यानाश मार देना, और ये आएगा दी आ गया। ये देखो अब ये छलांग मारेगा पीछे से आगे। बोलते बोलते ये देखो गई मेरी पेंट गई। तो इन भाई साहब को भी हमारे साथ जाना है श्रीलंका। टैची में डाल के ले जाएंगे इसको, पता तो नहीं लगेगा, पी 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 तो नहीं करेगा। बस हमें गाड़ी तक पहुंचना था, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, अब जहाँ जाओगे साथ ही चिपका रहूँगा मैं फेविकॉल बन के। आराम से बैठ गया ये। बाय नन्नू, चल भाई टाटा, फिर मिलते हैं। अब हमें ये देखना है कौन सी लाइन में लगा जाए, सब जगह भीड़ ही भीड़ है। कितने टाइम से मेरा पासपोर्ट चूना चूना पड़ा था, अब जाके इसका थोड़ा मन लग रहा होगा कि मैं भी तो काम में आऊँ। बताओ ये सूटकेस जब से नए आए ना, ट्रैवल ही नहीं खत्म हो रहा है, एक उतारते दूसरा लग जाता है, बस ऐसे ही चलता रहा है। एक बंदे को 30 किलो, दो बंदों को 60 किलो अलाउड है, हम दोनों के बैग मिला के 21 किलो हो रहे हैं। ठीक है मैं घर जा रही हूँ, और भर के लाऊंगी, कम ले आई हूँ। लो भाई फाइनली चेक इन, सिक्योरिटी चेक, सब कुछ हो गया, अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए। कौन सा पिलो? ये वाला गर्दन पे लगाने वाला, इससे नींद बड़ी आती है मैंने सुना। अगर 250 रुपये का एक है तो ले लो। कितने का? 150 का, मेरे शनि बाजार में तो 150 का मिलता है ये। लो भाई हमने तो ये खरीद लिए, एयरपोर्ट पर घुसते हमारा मोटा खर्चा हो गया भाई। ये हंस रही है आगे से, करिए इसके बिना नींद नहीं आती। ओके बाय बाय। अच्छा साइन भी चाहिए? हाँ। जायदाद को नाम नहीं करा लोगे? नहीं नहीं नहीं। देखो वैसे तो मैं खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन अब खरीद लिया है तो अब इसको उतारूंगा नहीं, घर पे भी सोऊंगा भाई, पैसा खर्चा है भाई। थोड़ा मेरे को फील आ रहा है इंटरनेशनल वाला ना, कि इंटरनेशनल जा रहा हूँ। ओके जी, नाइस मीटिंग यू, बहुत अच्छा लगा। आ गया ना, आ गया, चलो ना यार। अभी कुछ बोलना नहीं चाहता, वहाँ जाके बताऊंगा मैंने क्या किया। अरे पहली बार नहीं है जो आपने ऐसा किया। हर बार करता हूँ ना, लेकिन फायदा होता नहीं होता। थैंक यू ब्रो। तो फाइनली अपने गेट पे पहुँच गए, बोर्डिंग भी शुरू नहीं हुई, गोरा पीछे, और हमने पता क्या किया, पीछे ना गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो हमने उनको बोला छोड़ो मेरे पैर में ना चोट लगी हुई, ऐसे ही बोला भी तो मैं चल लेता हूँ, लेकिन बोला शायद छोड़ दे। वो कह रहा भाई प्राइवेट व्हीकल है, ये पहले ही बुक करनी होती है। मैंने बोला अभी बुक कर सकते, कह रहा अभी नहीं पहले बुक होती है। तो मैंने उनको आवाज़ मारी, मैं पीछे बैठ गया, मेरे कह रहे कितने चीप हो तुमने आवाज़ मार ली, बोला अरे अपना काम बन रहा है ना, लेकिन आखिरी उसने हमें बोला ना, बड़ी बड़ी दूर से आवाज़ मारी, जैसे हम अपनी गलियों में रिक्शे वाले भैया को आवाज़ मारते अरे भैया ले जाओ, और हम 4th नंबर गेट पे थे, वहाँ से 10th तक बहुत। क्या हुआ इसने, ये आगे चल रही थी, इसने देखा इसने तो गाड़ी रुकवा ली है, मैं तो बैठ गया, ये भागते भागते आगे मैं ही बैठूंगी, तुम मत बैठो, तुम्हें चीफ लग रहा था तो, पर बहुत दूर था ना। देखा फायदा तो तुमने उठाया, लेकिन भाई थैंक यू उस बंदे का। पानी पीते हैं यार, याद आ गया।
कोको याद आ गया अपने को ना। अब एक क्या सुंदर प्लेन लग रहा है ये। अब जाके बोर्डिंग चालू हुई है, 9:25 पे चालू होनी थी 10:10 पे। और इस लड़की ने घर से भागो भागो फ्लाइट छूट जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना परेशान कर दिया ना रास्ते में। अब कम से कम ये जो हमारी फ्लाइट है ना 3.5 घंटे की है, और मैं इनको कहूँगा 5 घंटे उड़ाओ, हवा में उड़ाओ, मेरे को बढ़िया नींद आने वाली है। भाई इंजन ही है वो देखो, रोल्स रॉयस का इंजन लगा हुआ भाई, वो देखो अब दिखा क्लियर। मैं कह ही रहा था ना ये शानदार प्लेन है। फैन नहीं है भाई, इसी को इंजन कहते हैं यार। फैन क्या, यहाँ से हवा आती है, हैं चिड़िया हवा लेती है आसमान में। और हमारा प्लेन देख लो भाई, महाबद्दा कुछ लिखा ही नहीं हुआ एकदम वाइट। कहाँ जा रही हो, यही है बिजनेस तो आगे जाना है क्या? तुमने तो बोला तुमने बड़ी वाली सीट बुक कराई है, अभी देखना। ये मेरी भाई नकली मैनेजर है, सारे काम उल्टे करती है। अभी देखना कौन सी बड़ी वाली सीट कराई होगी, भी देखना। भाई देखो कैसा ये पपलू हुआ है, बिजनेस क्लास बोल के इसने इमरजेंसी सीट बुक करा दी है, कह रही यही बिजनेस मिलेगी। भाई स्पेस तो अच्छा है वैसे, और विंडो कहाँ है इतनी जगह? तुमने मेरे को बोला विंडो सीट है, विंडो कहाँ है इतनी जगह में, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा भाई? दो विंडो भाई। तो भाई आज के लिए हमारी बिजनेस क्लास, आराम से पैर फैलाओ, जहाँ मर्जी तक बैठो। मैंने सोचा था श्रीलंका जाते हुए खिड़की से देखूंगा नए नए नज़ारे। कोई है कुछ तो दिखा दो मेरे भाई। इमरजेंसी गेट है, गेट खोल लूँ बीच में देखना हो तो? आप द्वार खोल सकते हो, नज़ारा ले सकते। ज़्यादा नज़ारा लेने का मन होगा ना, द्वार खोल दूंगा सारे देखो, लेकिन लास्ट टाइम देखो, उसके बाद भी देख पाओगे कुछ भी। भाई अभी हमें एक चीज़ पता लगी है, कैसे पता लगी? वो सामने वाले भाई ने ना नीचे से टीवी निकाला, तो हमें लगा हमारा भी आता होगा, उसको दबा के थोड़ा। अरे भाई मैं तो गरीब सोच रहा था अपने आप को, मैं तो अमीर निकला, ये आएगा कहते हैं। वो मैन इसे कहते हैं भाई टेशन। अब आया मतलब टेशन, मतलब देख रहे हो सामने स्क्रीन में नहीं है, यहीं से मैं चला सकता हूँ बैठे बैठा है। भाई मैं तो देख रहा हूँ मैट्रिक्स, और ये देख रही है इनिशियलाइजिंग। इसकी डिस्प्ले भी जल रही भाई जब से बैठी है। वाह ओ भाई मेरे, वाह भाई ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कह लो या इसको लंच नहीं कह सकते, ये ब्रंच है। तमिल बोल रही है ये, वेलकम टू दुबई, ओ सॉरी श्रीलंका। लो भाई फाइनली इमिग्रेशन पार्ट डन, अब हम जा रहे हैं बैगेज लेने के लिए। अपने साथ में एक छोटा सा सीन हो गया, सीन अभी नहीं, सीन सुबह ही हुआ था। जो हमारी फ्लाइट सुबह 5 बजे की थी ना, वो डिलेड होकर 10 बजे की हो गई थी। हमने 12 बजे तक अपने होटल पहुंच जाना था, 2 घंटे आराम करके श्रीलंका घूमते, लेकिन अभी 3 यहीं बज चुके हैं, 6 बजे तक होटल पहुंचेंगे, क्या ही घूमेंगे हम। और कल अपने को प्रैक्टिस मैच के लिए जाना है। देखो भाई हमने करेंसी कन्वर्ट नहीं कराई थी, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है और उसी से सब जगह पैसे आए थे। अबे ये क्या है ए भैया? लो भाई एक नोट तेरा, एक नोट मेरा, ये भाई साहब 5,000 का नोट देख रहे हो कितना ही सुंदर है। 5,000 का नोट भी आता ए भैया, ए भैया थोड़े छुट्टे दे दे वापसी लेके, चलो छुट्टे उससे करा लेते काउंटर से। अब किससे पूछो 5,000 के छुट्टे दे दे भाई हमें। लो भाई हमने एक्सचेंज करा लिए, पहले पकड़ो ये 100 का भाई नोट दिखा रहे हैं, मैं तुम्हें कैसे दिखते उल्टा करके दिखाओ ना पैसा। वो लेकिन कितनी सुंदर लग रही है, और ये है 1,000 का नोट, ऐसे भी देख लो भाई तोता बना हुआ है, तोता इनका नेशनल बर्ड है क्या? ये आ गया है 500 का, इसमें भी तोता, तोता इनका नेशनल बर्ड होगा भाई। कुछ पढ़ पुढ़ के तो आते नहीं हम इनके बारे में स्टडी करके, इतना टाइम होता है हमारे पास। लो भाई वो 100 पे भी तोता है, तोता हर नोट पे भाई, कसम से मैं तोता होता काश मैं हर नोट पे चिपका होता। पागल हो क्या? ATM से पैसे निकाले उन्होंने, कोई गोद थोड़ी ले लिया तुम्हें, आ जाओ। सॉरी हंस रहे हैं वो भी, कह रहे सारे खुले यहीं से करवा लेगी क्या।
हमारे ड्राइवर भैया पता नहीं कहाँ रह गए हैं। तो नहीं बोला अपने ड्राइवर भैया ही नज़र नहीं आ रहे, एयरपोर्ट से बाहर निकल गए थे। मैंने बोला फ़ोटो भेजो आप कहाँ खड़े हो, वो अंदर ही खड़े हुए कहीं यार। ये फाइनली मिल गए हमें। हेलो हाउ आर यू, यू नो हिंदी? नो हिंदी, ओनली इंग्लिश? ओ आई एम ऑल्सो इंग्लिश, शी इज़ ऑल्सो इंग्लिश, वी बोथ आर इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, इंग्लिश से इंग्लिश टकराएंगे और श्रीलंका घूमते जाएंगे। अब तो मैं भाई इंटरनेशनल ब्लॉग देखने को मिलेंगे। सारी टैक्सी खड़ी, और क्या सही लग रही है गाड़ी यार ये वाली। तो अभी हम जा रहे हैं होंडा की फिट शटल, फिट शटल ओके ओके, हाइब्रिड है, दिस इज हाइब्रिड ओके। और गाड़ी क्या बढ़िया लग रही है ना, देख रही हो गाड़ी सही है ना। हाउ फार इज द होटल? आई थिंक गो 3 आवर्स, 3 आवर्स या 3 आवर्स फ्रॉम इन व्हिच सिटी? Yeah. In which city? Yeah. Which city? Candy. 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 Yeah. Candy जा रहे हम। थोड़े बहुत नजारा दिखाएंगे, थोड़ा बहुत सो जाएंगे। पता है मेरा मानना क्या है? हर कंट्री में सेम बंदे, सेम इंसान, मतलब कोई इंग्लिश बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हर किसी की लैंग्वेज अलग है, लेकिन है तो इंसान। पहले गाड़ी देखता हूँ उसके बाद बताता हूँ दिल की बात है। क्या गाड़ी है भाई, सुंदर है यार, मिनी कूपर जैसी लग रही थी ना। मैं क्या बोलना चाह रहा था कि हर कंट्री में इंसान रहते हैं, फिर भी हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, पता नहीं क्यों। इसकी इससे लड़ाई होगी, इसको इस पे कब्जा करना है, इसको इस पे करना है। मतलब अगर मैं कहीं का मंत्री मंत्री होता ना भाई, मैं सबसे बना के चलता कि हाँ भाई तू भी खुश रहे, तू भी खुश रहे, तू भी खुश रहे। छोटी सी जिंदगी है भाई, हमें देखने में लगता है बहुत बड़ी है, 50 साल 60 साल 70 साल जी के जाएंगे, लेकिन नहीं, छोटी सी है। जब इंसान बुढ़ा हो जाता है ना भाई, मैंने अपनी दादी को देखा है, मेरी दादी 68-70 ईयर्स की थी ना, तो बिल्कुल चलना फिरना उनका बंद हो गया था, और उनको मैंने मतलब उस हालत में देखा ना, और मेरे को ये कहती थी कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, सब कुछ कर लिया, भाग लिया, दौड़ लिया, उन्होंने पैसे भी कमाए, उन्होंने घर भी बनाया अपना, अपने बच्चों को भी पाल पोस के बड़ा किया, मेरे पापा को, ताया जी को। लेकिन उस टाइम जब उनको देखा ना मैंने, तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि इतना सब कुछ कर लिया उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए, आखिर में आके बेड पे पड़े हुए हिल भी नहीं सकते। तो ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, मिलजुल के रहो, खेलते रहो, सबको खुश रखो। एकदम से मन में आई फीलिंग बीच बीच में आती रहती है, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। मैं आपको हिंदी में समझा दूं भाई, इसको गोलगप्पे खानी है और ये डिस्कशन कर रही है, गोलगप्पे मिलते हैं। पहले समझ नहीं आ रही, मैंने भैया को इशारों में समझा, ऐसा गोल गोल पानी डाला, फिर करके खाते हैं, कह रहे हाँ हाँ हाँ, अभी पीछे निकला था गोलगप्पे वाला, तो कहीं रस्ते में आएगा तो गोलगप्पे खाएगी। मैं कुछ भी बाहर का नहीं खाने वाला, मसा मेरे को लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक हुई है। नहीं नहीं, मतलब वहाँ जाके होटल में कुछ दाल रोटी चावल वैसा मिलेगा वो खा लूंगा, लेकिन कुछ ऐसा गोलगप्पा वप्पा नहीं, उसमें रिस्क हो जाएगा मेरे लिए। चलते चलते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। हम थोड़ा लोकल फूड ट्राई करने की सोच रहे हैं, श्रीलंकन फूड, चिकन डेवल, मशरूम एंड चिकन डेवल, हां मशरूम चिकन। ये क्या है, ये दीज आर नूडल्स और व्हाट? तो अभी आया टेस्ट के लिए, और इसका नाम है इडियाप। इडियाप, इडियाप नहीं, इंडिया थोड़ी है, इडियाप है, इडियाप, इडियाप है, मतलब ऐसे ही कुछ है। सही है, सही तो है भैया, 4 दर्जन और लगा दो। अच्छा, मुझे लगा था ये पूरा उठाना होता है, अभी अभी मैं सरप्राइज हो गया भाई, ये ऊपर से एक ऐसे उठाना होता है, और इसके अंदर दाल फंसाओ, गोल गोल करो और खा जाओ रुमाली रोटी की तरह। मुझसे भी रहा नहीं गया, मैंने सोचा ट्राई कर ही लेता हूँ। बढ़िया यार ये तो, ये आ गया हमारा बिल, सौंफ देना भूल गया लग रहा है, ये मजाक था, सिर्फ 200 रुपये भाई, ज़्यादा हमने खाया भी नहीं, ठीक ठीक था। ओ बारिश बहुत ही तेज हो गई है। यू लाइक रेन और नॉट? आई लाइक। यू लाइक, शी नॉट लाइक रेन? व्हाई? व्हाई? या बिकॉज शी इज स्पॉटी। ओके, यू नो व्हाट इज स्पॉटी? नो नो नो, ही डजंट नो व्हाट इज स्पॉटी। इसको भाई बारिश ही नहीं पसंद, मतलब
बहुत सारे बंदे होते हैं, मेरे को तो बारिश ऐसे लगती है ना कि बारिश आई मैं मोर बन जाऊं भाई, पंख खोल के उड़ने लग जाऊं। अच्छा हो गया मौसम बढ़िया। पंख है ना मेरे पास, ये पंख ही तो है जिनसे उड़ के मैं श्रीलंका आया हूँ। यू लाइक इंडिया और पाकिस्तान? इंडिया। आर यू श्योर? या ओके, ही लाइक इंडिया, वी आल्सो लाइक इंडिया। यस। वो आगे गाड़ी देखो भाई क्या सही जा रही है, इसका नाम है टोयोटा की बीएस। लो भाई ट्रेन देख लो, भाई एक चीज मेरे को यहाँ बहुत बढ़िया लगी, टोल पे जाते उन्होंने पर्ची पकड़ा दी और जब बाहर निकलोगे ना वहाँ पैसे देने हैं। हमारे वहाँ पहले पैसे लेते हैं बाद में जाने देते हैं। लो भाई हम लोग आ गए पहाड़ों के बीच में, ना ठंड ना गर्मी, एकदम बढ़िया मौसम। गाड़ी देखो यार कसम से, मतलब क्या सुंदर सुंदर छोटी छोटी गाड़ियां ना यहाँ पर। वैसे I think 60 or 50. 50-60 साल पुरानी गाड़ी आई है। तो यहाँ लिए हमने 5 मिनट का स्टॉपेज, भुट्टा ढूंढ रहे थे, भुट्टा तो मिला नहीं, एवोकाडो दिख गया इसको। एवोकाडो एक फ्रूट होता है जो कि इंडिया में 700-800 रुपए किलो मिलता है, यहाँ पर 300 रुपए किलो है। और आपको यहाँ की करेंसी बता दूँ, इंडियन रुपीज 1 और यहाँ पर 3.5 रुपए, मतलब वहाँ का 1 रुपया यहाँ का 3.5 रुपए, तो 300 रुपए किलो लगा लो 100 रुपए किलो, वहाँ पर 800 रुपए किलो, यहाँ पर 100 रुपए किलो हमें इंडियन रुपीज में पड़ रहा है। फ्रेश एवोकाडो होता है, ये तो आम है, तो ये दोनों एवोकाडो है। अच्छा पहले ऐसा दिखता है फिर ये बाद में ऐसा हो जाएगा। और खाने लायक कौन सा है? ये भी खा सकते हो और ये भी खा सकते हो। लो भाई पहुंच गए हम लोग हमारे होटल। तो अभी साहिबा चेक इन करा रही है, हम थोड़ा होटल को चेकआउट करते हैं। अच्छा है सामने का व्यू बहुत अच्छा है, जो कि अभी नहीं दिखा पाएंगे, दिन में दिखाऊंगा। ये है अपना रूम, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से व्यू कि व्यू क्या दिख रहा है। ओके सामने रिवर है कोई, अभी तो क्या ही दिखेगा, दिन में ही दिखाऊंगा भाई। चलो सही है, रूम तो बढ़िया बना हुआ है, अभी थोड़ा आराम करेंगे, 9:30 तक डिनर है, फिर उसके बाद डिनर खाने जाएंगे। ओके मिनी बार, ओके बाय 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 बाय। तो ये है हमारा छोटा सा वॉशरूम और ये रहा मिरर, जहाँ भी जाते ना हमें शीशा मिल जाता है वीडियो बनाने के लिए। बाकी सफर आज का बहुत बढ़िया रहा, सारा सफर तो आपको दिखाई दिया क्या क्या हुआ। कल का दिन बहुत ही ज्यादा शानदार रहने वाला, क्योंकि कल हम जा रहे हैं उनका प्रैक्टिस मैच देखने के लिए, लेकिन थोड़ी बारिश की संभावना भी है। अगर बारिश ना हो ना तो ही मजा आएगा, अगर बारिश हल्की फुल्की भी होगी ना तो मजा खराब भी हो सकता है। बाकी होना वही है जो ऊपर वाले को मंजूर है, अभी करते हैं आराम। लो भाई टाइम हो गया है 9:15 और ऐसी तगड़ी नींद आई ना, ऐसी तगड़ी। एक्चुअली मैंने ना फ्लाइट में खाना खाने के बाद मेडिसिन खा ली थी, उसके बाद ढंग से सोया नहीं था, अभी एक नैप ले लिया ना एकदम बढ़िया। 9:30 बजे तक डिनर है, जाके डिनर करते हैं। तो ये अपना डाइनिंग एरिया, बाहर भी बैठ सकते हैं अंदर भी बैठ सकते हैं। और ये देखो भाई क्या सही लग रहा ना ऊपर से। सो दिस इज राउंड 2, राउंड 1 हमने निपटा दिया। वो देखो भाई टीवी में भी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और यहाँ भी कैरम का मैच चालू हो गया खाना खाने के बाद। और जीतना मुझे ही है, लेकिन फिर भी मैंने बोला खेल लो कोई बात नहीं, अपने मुंह से बताओ कौन जीता है फटाफट से। हंसना नहीं है, सच्ची अच्छी बताना। वो सारा मैं बता दूंगा, वो गेम मैं पूरी बता दूंगा, जीता कौन है तुम ये बता दो। मैं जीता हूँ ना, चलो मैं बताता हूँ, गेम चलते चलते इतना रोमांचक हो गया, तुम्हारा भाई ने सारी गीटी अपने कब्जे में कर ली। 1-10 की गीटी से मैं जीत गया, 1-10 की गीटी से।
और इतना अच्छा लग रहा है ना, आप मेरे को बढ़िया नींद आने वाली है। तो भाई इसी के साथ इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको आज की वीडियो मजा आया होगा। यहाँ तक अपने वीडियो देख लिया, लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय 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 बाय। एक बार फिर बता दूँ, आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले तो कभी मैंने लाइव इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा ही नहीं। मैच देखे लेकिन इंडिया पाकिस्तान का कभी नहीं देखा, लेकिन इंटरनेशनल आके देखने का मौका मिला है। बस ये सब आपके प्यार की वजह से, ऐसे प्यार करते रहना। बाय बाय, सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।